गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड शुभम। सो गाइस आज की डेट है 26 दिसंबर और एक नोटिफिकेशन और आउट हुई है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे लास्ट डेट है, क्या एग्जाम फी रहेगा और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है गाइज, ये है RSPCB की तरफ से, यस राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी आउट हुई है। और इसमें हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप डायरेक्ट वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है 23rd of January 2021, यानी ऑलमोस्ट अभी 1 month है। तो आप डिस्क्रिप्शन से नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और वहां से जाकर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। और पे यानी इसमें कुछ फीस लगेगी, और फीस की भी लास्ट डेट 23rd दिसंबर ही, सॉरी 23rd जनवरी ही है। तो गाइज अगर हम फीस की बात करते तो जनरल एंड EWS के लिए 1400 रुपीज रहेगी, BC और NCL के लिए 1200 रहेगी, और अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज रहेगी। और ये सारी जो पेमेंट है ये ऑनलाइन पे करनी है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर जनरल और EWS की हम बात करें तो 1400 यानी 1400 रुपये रहेगी, BC या NCL की बात करें तो 1200 यानी 1200 रुपये रहेगी, और अदर रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 1000 रुपये यानी 1000 रुपीज रहेगी। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करनी बता दी। और एज रिलैक्सेशन की बात करें, सॉरी अगर हम एज की बात करें तो एज की मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर्स रहेगी और मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर्स रहेगी। अब गाइस जो पोस्ट है इसमें दो वैकेंसी निकली हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है आपके जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, एंड सेकंड है जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर के लिए। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट पोस्ट है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए एंड सेकंड पोस्ट है जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर के लिए। तो पहले मैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताऊंगा जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। इसमें इन्होंने बोला हुआ कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यानी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोयल साइंस में, केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंटल साइंस में, या माइक्रोबायोलॉजी विद फर्स्ट डिवीजन मास। तो गाइज इन्होंने साफ साफ मेंशन किया, मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास सोयल साइंस में, केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंटल साइंस में, या फिर माइक्रोबायोलॉजी विद फर्स्ट डिवीजन में। और अगर हम जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की बात करें, यानी जो सेकंड पोस्ट है उसकी बात करें, इसके लिए इन्होंने बोला हुआ BE या BTEC किया हो किसी भी स्ट्रीम से, और मास्टर डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसमें अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब गाइस थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की बात कर ले कि एग्जाम कितने क्वेश्चन होंगे, किस कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे, क्या मार्क्स रहेंगे, वो सारी चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे, दो पार्ट में एग्जाम होगा, मतलब सेम डे ही रहेगा लेकिन पार्ट ए पार्ट बी में रहेगा। पार्ट ए इन्वायरमेंटल साइंस रहेगा जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, और पार्ट बी GK है जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल हो गए 150 क्वेश्चन, 3 आवर्स का एग्जाम होगा, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी 150 × 3 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। और आपको एक चीज बताते हैं, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, ये है कि 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आपने कोई भी एक गलत आंसर दिया उसके लिए 1 मार्क्स ही डिडक्ट होगा। तो 450 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंटल साइंस एंड 30 क्वेश्चन आपके GK के रहेंगे। तो गाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं एलिजिबल हूं तो आप अप्लाई करिएगा। और आपको लगता है कि कोई नोन में है जो एलिजिबल है तो आप उसके साथ अप्लाई उसको आप शेयर कर सकते हो उस वीडियो को, तो आप उनके साथ वीडियो शेयर करिएगा। तो गाइज ऑल द बेस्ट, आप फटाफट जाइए अप्लाई करिए और वीडियो को शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।